सबको नमस्कार एंड माय गुरु शुक्लाचार्य हैज गिवन मी अ ग्रेट यू नो फीलिंग टू स्टार्ट विद सबको विवेकानंद जी का याद करा दिया लगे रहो जागते रहो कुछ करते रहो दैट इज अ ड्रीम एंड अभी क्या है आप सबको मालूम है हम लोग पॉजिटिव नोट में है G20 का प्रेसिडेंसी रखा है पूरा मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज लीडिंग हम पूरा अभी इंडिया बोलने से पहले हम सोचते थे अभी सोचना नहीं है पूरा प्रपंच मतलब एंटायर ग्लोब हम हमको देख रहे हैं अभी समय कम है ये मैं क्या करूँगा मेरा प्रेजेंटेशन ऑलवेज मैं स्टार्ट करता हूँ क्लाइमेट चेंज धरती माँ को जानने के लिए धरती माँ को जान के आगे कैसे बढ़ना और हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट मतलब क्यों हम ये फूड सेक्टर में है ये जानकारी लेंगे और थोड़ी बहुत हमारा मुर्गी पालन का सेक्टर का नंबर्स क्या है वो थोड़ा जानकारी करेंगे एंड देन मेरा मेन प्रेजेंटेशन है क्रिएटिव इनोवेशंस हमारा मुर्गी पालक और एंटरप्रेन्योर जो आविष्कार करके आत्मनिर्भर भारत बना दिया हमको बाहर जाने का जरूरत नहीं है मैं जो दिखाने वाला हूँ वो लोग इतना अच्छा आपको आइडिया बना दिया जो मैं पोल्ट्री में मुर्गी में सीखा हूँ मैं तो वायरोलॉजिस्ट हूँ मैं सीखा हूँ तो फार्मर से सीखा हूँ तो उसी का मैं प्रेजेंटेशन दूंगा देन यू नो ट्रेंड सेटर्स जैसे फ्रिज ने बताया अगर हम लोग नहीं करने से क्या होगा अगर हम लोग नहीं करने से क्या होगा बाहर लोग आके यूनिकॉर्न बनेंगे हमारा बीच में हम लोग जो नहीं कर पाएंगे वो करें तो वो मकसद से फ्यूचर दिखाऊंगा तो अभी देखिए ना वी कैन गो फॉरवर्ड ये देख लीजिए कभी आप सोचा था धरती में आके 5 बिलियन ईयर से है हम लोग होमो इरेक्टस बनते केवल 3 लाख वर्षों से है मगर उसको डिस्ट्रक्शन करने के लिए केवल 50 ईयर्स में हमने पूरा धरती को खराब करके रख रहा है मतलब धरती रहेगा हम नहीं रहेंगे 6 बार हमने एक्सटिंक्ट होके चुका है ये देखिए ना अभी हमको ये सिग्नल मिल रहा है फ्रॉम UN रिपोर्ट दैट हम नहीं रह पाएंगे अगर आप लोग धरती को रिस्पेक्ट करें क्लाइमेट चेंज को देखें वो नहीं हो पाएंगे अभी देखिए ना आगे बढ़ेंगे ये मैं शॉर्टली बताऊंगा ये जाके मूवी देखिए नेटफ्लिक्स में ये मूवी कब का है 2019 का है ये एक रिवर होता है वोडर करके जर्मनी चेकोस्लोवाकिया पोलैंड से पोलैंड को 2019 में पूरा डूब गया है पोलैंड डूब गया था 2019 में ज्यादा दूर नहीं बता रहा ये आपका जानकार के लिए मूवी जाके देखिए दूसरा देखिए आगे या हिमालय का देख लीजिए ना आप It was so good when I joined Bangalore in 1988. Our glaciers were so beautiful. 30 years में glaciers गायब हो गया. ये सब आप जानकारी देखना. देखिए ना, ये another river इस बार LB river again Germany, Poland and France का बीच में आता है. उसका 1600 में वो लिखा था. If you see this rock, if you see me cry, that means it is giving a hint that famine is coming. कब का है 1616 में हुआ था अभी इस बार हो रहा है एंड बैंगलोर बन गया चेरापूंजी बैंगलोर में पूरा साल भर बारिश हो रहा है कितना देखिए 2000 मिलीमीटर तक हमने टच हो गया एंड ऊपर देखिए ना 273 डेज में 241 डेज डिजास्टर हो रहे हैं इंडिया में अभी देखिए आगे बढ़ेंगे दिस पॉइंटर या तो दिस इज व्हाट अभी देखिए ना लास्ट ईयर का डेटा है जून अगस्त का You will never find any place which is near average. You will never find any place near average. पूरा धरती में सब बिगड़ रहे इधर कभी सर्दी बिगड़ रहे आपका समर बिगड़ रहे आपका रेनी सीजन ज्यादा हो रहा है ये आपको जानकारी के लिए जो दिखाने जा रहा हूं वो एक ही चिंता है सब कुछ हो रहा है अभी अभी जागो केवल मुर्गी मुर्गी बोल के नहीं रहो क्लाइमेट चेंज का भी देखो पानी किधर ज्यादा होने वाला है बारिश किधर ज्यादा होने वाला है आग किधर जाने वाला है ये सब आप जानकारी रख के ही काम शुरू करना पड़ेगा वो शुरू होता है ना इसलिए शुरू करना पड़ेगा अंदर नहीं है अंदर पैसे
Thank you. Hello. Yeah. Is happening from here? नीचे आ जाओ, उधर ही आ जाता हूँ. Don't worry. Okay, now I have to save the time. Yeah, it is happening from here. Don't worry. अभी देखिए ना, आपको ऊपर जो दिखा रहा हूँ मैं, पाकिस्तान का दिखा रहा हूँ. पाकिस्तान ने पूरा डूब गया था. कब? लास्ट ईयर ओनली. देखिए ना, द राइट साइड जो देख रहे हैं वो पाकिस्तान का पूरा भर गया था पानी. एंड इट वॉज कोटेड इन कॉप 26 में दिखाया. पाकिस्तान बिकम अ फेमस इशू देयर. नीचे का जो दिखा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का दिखा रहा हूँ. ऑस्ट्रेलिया में भी रोड पे रास्ते में पानी आ गया और पूरा बाजू में देखो ना, बुश फायर्स आ गए. सेम कंट्री है, डिफरेंट एक्शंस आर हैपनिंग. ये देखिए ना, वॉल्केनो इन फिलीपींस, अर्थक्वेक इन मेनी प्लेसेस, स्वाम्स इन मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड, एंड साइक्लोन्स आर हैपनिंग वेरी फ्रीक्वेंटली. दिस इज आवर अलर्ट. अभी तो हम इकोनॉमी आगे बढ़ रहे, जोर से बढ़ रहे. हम 200 ईयर्स ब्रिटिशर्स ने हमको सताया, जिताया, क्या किया मालूम नहीं. अभी हम उसको हरा के हमने फिफ्थ पोजीशन में आ गए. अभी हमारा ऊपर कौन है? जापान है, जर्मनी है. अभी हम बोल रहे हैं हम नंबर 3 पे आ जाएंगे, उन दोनों को भी हरा देंगे. जैसे फुटबॉल में हराया ना मोराको, ऐसे हम भी नया किड बन के हराएंगे. देखिए ना, अभी नंबर्स में तो हम फर्स्ट क्लास है. 210 मिलियन मेट्रिक टन, 4-5 मिलियन मेट्रिक टन तक वीट आ रहे हैं. मेरे को यस्टरडे राहुल सर ने बोल रहा था, कुकुरु का राव, वो क्या बोला, मैं से आप टीसीएस को कंपेयर कर रहे हो मुर्गी पालन. क्या टीसीएस से हम अच्छा है? टीसीएस में क्या है, 1.75 लाख करोड़ टर्नओवर है उनका, हमारा भी उतना ही है. मगर वो लोग केवल दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट कितना, 6 लाख लोगों का. हम दे रहे हैं कितना, 2 मिलियन, 2 मिलियन से 3 मिलियन एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं. इसीलिए टीसीएस से भी अच्छा है हम लोग. आगे देखिए ना, आपको रेगुलरली ये प्रोटीन चाहिए. आप अगर पोस्टपोन कर सकते हो तो कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हो, फैट का कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हो, पानी का कर सकते हो, मगर प्रोटीन नहीं कर सकते. प्रोटीन आपका जरूरी है. अभी देखिए ना, आगे जाएंगे, आपका बॉडी में पूरा पानी है, 42 किलोस पानी है, 12 किलो प्रोटीन है, 12 किलो आपका फैट है. प्रोटीन तो रेगुलर कंजम्पशन करना है. तो दिस इज अ फोटो टू इंडिकेट यू. तक बच्चों को क्या खिलाना सर? बच्चों को इतना खिलाने से बच्चे वो नहीं खाएगा. दूसरा आपका सिंपल है बच्चों का डाइट के लिए. सर वेजिटेरियन है उसके लिए क्या है? वेजिटेरियन के लिए स्पेक्ट्रम है, रेनबो है. वो रेनबो आप पकड़ना, और रेनबो पकड़ने से भी आपको मिल जाएगा. अभी देखिए ना, ये स्लाइड थोड़ा रुकूंगा मैं. अब गौर से देखिए, अभी आप तो शुभारंभ किया था अमिताभ बच्चन जी का आवाज से, मतलब दीप अलंकार में. मैं अभी बोलने वाला हूँ क्यों अमिताभ बच्चन चाहिए इधर. मैं ये स्लाइड दिखा के तक चुका हूँ. क्या बोलता हूँ मैं, विटामिन्स और मिनरल्स के लिए दवा मत का अंडा खाओ, दवा मत का अंडा खाओ, दवा मत का अंडा खाओ. अगर आप लोग जैसे 1.5 करोड़ इकट्ठा किया, थोड़े आगे बढ़ के मेरे को 10 करोड़ 5 करोड़ इकट्ठा करके दीजिए, अमिताभ बच्चन को लेके आता हूँ इधर. अमिताभ बच्चन बोलेगा, क्या बोलेगा, दवा मत खाओ अंडा खाओ, दवा मत खाओ अंडा खाओ. वो बोलने से क्या होगा, आप लोगों का जो 25 करोड़ अंडा आज प्रोड्यूस कर रहे, 50 करोड़ करना पड़ेगा. हम लोग अभी ब्रांड बिल्डिंग करना है, मार्केटिंग के लिए ध्यान दीजिए. सप्लाई के लिए उस्ताद हो गया, सप्लाई के लिए उस्ताद है, बट बेचने के लिए मालूम नहीं. हम टमाटर बन जाएंगे, पोटैटो बन जाएंगे अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ने से. ऐसे ही आपका चिकन का भी देखिए ना, ऐसे ही है. अभी देखिए, बैंगलोर इज एन एग्जाम्पल. मैं बैंगलोर को यूएसए बोलता हूँ, क्योंकि बैंगलोर में कितना अंडा खा रहे भैया, 80 लाख कंजम्पशन, 80 लाख कंजम्पशन ऑफ द 1.2 करोड़ पॉपुलेशन. दैट इज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ यूएसए. ये देखिए ना, नया तरीका दिखाने का, डेयरी सेक्टर इन यूरोप. ये मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप ऐसे दिखाना पड़ेगा हमारे सेक्टर को. अभी जाके ना देखिए पिगरी का कितना है, जर्मनी देखिए, फ्रांस देखिए, यू नो डेनमार्क, ऑल दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ द फ्यूचर. नाउ आई मूव ऑन, ईटी नाउ ये लोग हमारा सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि हम आगे बढ़ रहे. 3 लाख करोड़ का बिजनेस है. अभी देखिए ना, 36% इज आवर पोल्ट्री सेक्टर, 1.2 करोड़ प्रोडक्शन पर डे, 25 करोड़ प्रोडक्शन पर एग्स पर डे. ग्रोथ तो फिलहाल 8 से 10% जा रहे हैं, 6 से 6% जा रहे हैं.
मगर आपका प्रमोशन किस परसेंट पे जा रहा है वो ध्यान रखिए आप। अभी देखिए ना, ये हमारा प्रॉब्लम है, 94% लाइव मार्केट, 4% ओनली प्रोसेसिंग मार्केट आ रहा है, केवल 1% हम वैल्यू एडेड पे आ रहे हैं। ऐसे ही हमारा अंडा में भी ऐसे ही है, अंडा में भी 97% हम लोग पसंद कर रहे हैं ऐसे ही बेच करने। गेस्टरडे मैंने मोहित राजा का यूनिट विजिट किया था, बड़ी खुश हुआ। नॉर्थ इंडिया में उन लोग 2000 किलो पाउडर, एक पाउडर मे बी हियर अराउंड, दे सप्लाइंग टू ताज सैट्स, होटल ताज का जो डिलीवरी है उनको कर रहे हैं, वो पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के लिए जा रहे हैं। आप लोग की आपका यूनिट में ही करके दिखाए लोग हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या है सर? मुर्गी केवल चिक्स 40 ग्राम का है, 50 गुना हो जाता है, 2 किलो 32 डेज में आप लोग हार्मोन डाल रहे हो, इंजेक्शन कर रहे हो, स्टीराइड दे रहे हो। इसीलिए मेरे बड़ा एग्जांपल है, साउथ में तो बहुत बोल चुका हूँ, नॉर्थ में पहली बार बोल रहा हूँ। क्रिकेट याद करिए, क्रिकेट बोलिए मीडिया वालों को, क्रिकेट गवास्कर खेल रहा था, शास्त्री खेल रहा था 5 दिन, कभी भी एक सिक्स भी नहीं मिल रहा था। आ गया 50-50 मैच, तब मिलना आपको सुबह 5 सिक्स, शाम को 5 सिक्स मिलना शुरू हुआ। अभी 20-20 मैच आ गया, विराट कोहली मार रहे हैं 6 बॉल में 6 छक्के, क्या विराट कोहली को स्टेरॉइड दे रहे हैं, क्या विराट कोहली को इंजेक्शन मार रहे हैं? ऐसा एग्जांपल लेके बताना पड़ेगा, मीडिया वालों को समझ में नहीं आएगा। मैं आगे बढ़ूंगा, अभी देखिए ना, मुर्गी पालन साउथ में ऐसा होता है प्लग एंड प्ले मॉडल, नो कंस्ट्रक्शन, जीरो कंस्ट्रक्शन, सीमेंट का एक बैग भी नहीं चाहिए भैया। क्या करते हैं सर आप लोग, देखिए स्टोन यूज करते हैं, नीचे स्टोन, साइड में स्टोन, लंबाई स्टोन, ऊपर आयरन और एस्बेस्टस, प्लग एंड प्ले मॉडल बोलते हैं हम। जिधर भी जाइए लेके जाइए 5 साल के बाद, सर स्टोन नहीं मिल रहे, आपको आयरन मिलेगा, जीआई पाइप मिलेगा, वो यूज करिए। कॉस्ट इन्वेस्टमेंट शुड बी लाइक ए गोल्ड, सब लोग को गोल्ड का मुर्गी पहना दिया हम लोग। अभी आप देखिए ना, मुर्गी आपका जैसे गोल्ड है, गोल्ड फार्म होना पड़ेगा। आप आगे बढ़ेंगे, ये हमारा अशोक कुमार का फेवरेट स्लाइड है, यही प्रॉब्लम है हमारा। क्या प्रॉब्लम है? 52 वीक्स में हमको पैसा मिलता है केवल 22 वीक्स, 32 वीक्स में श्रावण, 32 वीक्स में गणेशा, पुर्दासी, नवरात्रि, कार्तिका, लेंट, एग्जाम, कोल्ड चिल्ल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसीलिए क्या होते हैं, आप जीत नहीं पाएंगे, ये फैक्टर रख के बिजनेस में आना। आप आगे बढ़िए, ये मुर्गी तो मशीन जैसा हो गया, 3.5 करोड़ 35 करोड़ का बर्ड्स है ये तो फार्म। मैंने एस्टेडे भी देखा, इधर भी देखा, अभी साउथ में तो 5 लाख 10 लाख के बाद में दे आर डूइंग बिग फार्म्स देयर इन द साउथ। अभी देखिए यही प्रॉब्लम है आपका, ब्रीडर पहले 3 करोड़ था 3.5 करोड़ था, आप आराम से थे, अभी क्या हो गए 4 करोड़ क्रॉस हो गया, 4 करोड़ से 4.5 करोड़, कैसे आप जीत पाएंगे? सो आगे बढ़ेंगे, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ये मैं यूरोप में जब दिखा रहा था बोल रहा था इंडिया में हो रहा है क्या? अभी इंडिया में हो रहा है, रायपुर में हो रहा है, स्काईलार्क में हो रहा है, आपका शालीमार में हो रहा है, ऑल दीज प्लेसेस वी आर फाइंडिंग 1 लाख बर्ड्स इन 1 शेड्स। अभी देखिए ऑटोमेशन इन लेयर यूनिट्स, ये हमारा मुर्गी फार्म इन मैसूर, जाके देखिए यूट्यूब में मेगा फार्म, एक आदमी आके 90 डेज में सेटअप करके जाता है, 50,000 का मुर्गी है, नेक्स्ट डे से आपको 40,000 अंडे मिलेगा, 40,000 अंडा, ओनली 1 लेबर। सो दैट इज व्हाट इंडिया नाउ, वी कैन हैंडल इट द वे वी वांट एंड व्हाट वी कैन डू इट द बेटर। बायोसिक्योरिटी तो अभी नया वर्ड है सबके लिए, बट हमके लिए, हमारे लिए पुराना 30 ईयर से हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए ना सुपर क्लास बायोसिक्योरिटी, सबको ये फोटो, कोई भी आता है फार्मर उनको दिखाइए, अरे भैया हम लोग ऐसे बायोसिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं, अभी कोरोना का वास्ते ओनली ह्यूमन बींग्स आर बेटेड, अदरवाइज हम लोग तो आगे थे। अभी देखिए ना, ताज का किचन भी इतना अच्छा नहीं रहेगा, ताज का किचन से भी अच्छा है हमारा फीड मिल, ये दिखाइए लोगों को समझाइए, तक हम लोग ऐसा नहीं खा रहे बट मुर्गी के लिए इतना अच्छा खिला रहे हम लोग। ये देखिए ना, मेरा फ्रेंड का फीड मिल है, डस्ट फ्री फीड मिल, इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 करोड़। ये देखिए ना सहीलो, 15,000 करोड़ का, 15,000 मेट्रिक टन का मेज यू कैन स्टोर इन दिस, दिस इज फ्यूचर, ब्रॉयलर्स इन केजेस, फीडर्स इन केजेस विद ऑटोमेशन, जैसे हरीश जी है इधर प्रिसीशन में फीडिंग करते हैं। अभी देखिए ना रूरल पोल्ट्री, सर उसमें क्या है, हम तो भारत सरकार में इसमें जुड़े हैं, ये फैमिली मॉडल है,
फैमिली मॉडल मतलब क्या है, ऐसा किधर भी गांव में लगा दीजिए, 50 मुर्गी रखिए, कल से आपको 40 अंडा मिलना शुरू हो जाएगा, वो लेडी बचेगा, उसका जीवन बचेगा। उसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, जीरो इन्वेस्टमेंट। क्या है उसमें किया, क्या लगाया हमने, केवल बैम्बू लगाया, अरे का लगाया, एक नीचे का कुछ यू नो हॉलो ब्रिक्स, ऊपर का एक छत के लिए टार्प ले। हाँ, अभी मैं 10 मिनट बाकी है, अभी दिखाता हूँ किसका इनोवेशन से। इनोवेशन नंबर वन इज आपका, आपका PFI का प्रेसिडेंट सब लोग जानते हैं, क्या नाम है, डंडा जी। अभी देखिए ना, उनका विजिट किया था मैंने, उनका विजिट लास्ट मंथ में किया था, देखिए ना कैसे किया है। इट लुक्स लाइक अ फैक्ट्री, इट लुक्स लाइक अ फैक्ट्री, वंडरफुल इनोवेशन। मतलब कैसे एक शेड में उन्होंने नीचे ऊपर मिला के 1.5 लाख बर्ड्स रखा है, इधर ही रखा है आपके पास में, अंदर का देखिए। सो सच ए क्लीन नीट एनवायरमेंट इज हैपनिंग एट योर ओन बैकयार्ड। And see the temperature monitor, exhaust, and then you know thermocool. What is this interesting aspect is entire thing stainless steel. He has used this stainless steel there only. And uska units dekh lijiye. And first time single stage incubator manufactured by himself, Atmanirbhar Bharat. Taliya zor se de dijiye. Atmanirbhar Bharat. And he is a man who has created workshop. He is a man who has done, I don't know, their entire family's engineers are so. They're so creative. Pura stainless steel ka single stage incubator bana ke dikha diya, and he is using ozone there. First class investment jana hoga, magar world ke liye challenge kar rahe, we are doing better than the world. See, this is their own software, their own equipments, and their own everything, they are using it. And this is what I want you. He has not only done in innovations, he has put a workshop. Jo bhi unko chahiye, khud kar rahe. I don't know how many of you are knowing this issue. He is a creator among you. I really appreciate their workshop model. Israel se, Italy se, wo machines leke aaya, khud kar rahe for everything. For feed mill, hatchery, farms and everything. What better innovation you can think. Now I will fly back to Mangalore. Tomorrow I have to be in Mangalore. That's why I am rushing now. See, you see the Mangalore kaise hai. Humara Arun Rai, veterinarian hai. Wo kya kiya hai? फोर टायर्स में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन ईसी हाउस, फोर टायर्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन ईसी हाउस। सीधे नजारा देखिए, आप में ऐसा नजारा नहीं मिलेगा। हैचरी कैसे है देखिए, ब्यूटिफुल प्लेस। उधर ना, व्हेन यू गो देयर द बोर्ड इज रिटन देयर एलिफेंट्स आर देयर, बी अवेयर, एलिफेंट्स आते हैं उधर। उस ऐसा जगह में जाके मेरा दोस्त ने हैचरी लगाया, वंडरफुल एफर्ट, वेरी इनोवेटिव। See the solar system. He has put in beautiful solar systems there. And then he is doing broiler research. ये सब आपके लिए example है। खुद का integration करने का पहले आपका ही kitchen बनाओ, आपका भी research बनाओ। कैसे दिखेगा देख लो, how your birds are performing. You should have a backup of your own idea that आप कैसे बढ़ रहे हो आगे। देखिए ना, सुंदर का उसका research भी बना दिया for the integration, biogas production and their own outlet. मैसेज क्या है, आप सब वैल्यू चेन में काम करना। सर केवल मैं हैचिंग एग्स भेजूंगा, केवल चिक्स भेजूंगा, केवल फीड भेजूंगा, नहीं चलेगा। पूरा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैं जा रहा हूँ चेन्नई। चेन्नई में देखिए, आपको हर एक जगह को ऐसा वेस्ट मिलता है रोज। मेरा दोस्त जीवन दास रही क्या करके दिखाया, अभी देखिए आके। इज अ जेंटलमैन देयर, 2012 से कर रहे हैं, 60 टन इज प्रोसेसिंग एवरी डे। He is getting 15 collection vans every day. आता है, time से पहुंच जाता है, then आगे जाता है। देखिए ना, ये processing जाएगा, then बनेगा पूरा माल। कैसे बनेगा देखिए, कुकर है, boilers है, fantastic chicken waste is converted into a very good meat meal. उसका value क्या है देख लीजिए, 52% protein, 52-53% protein. पहले picture को वापस जाऊंगा मैं, ये कैसे दिखेगा आपको, गंदा दिखेगा। अभी जाके देखिए ना, 52% प्रोटीन आपको मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन एवरी सिटी। यू नीड टू कंग्रेचुलेट, गिव अ क्लैप टू जीवन दास राय फ्रॉम हियर, बिकॉज़ ही इज हैंडलिंग ऑलमोस्ट 60 टन्स ऑफ वेस्ट पर डे। एंड बायोगैस प्लांट आल्सो उन्होंने बना दिया, बॉयलर। वो बायोगैस प्लांट से बॉयलर यूज करता है, सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है। वही जाके कुकर में जाता है, वही जाके होता है, दैट मींस अ जीरो डिस्चार्ज सिस्टम। दिस इज आत्मनिर्भर भारत। देखिए ना, 10,000 पौधे भी डाल दिया वो। He has put 10,000 trees from the surrounding area. किधर है? चेन्नई का एयरपोर्ट के नजदीक है। वो कर्नाटक का बिलोंग होता है, कर्नाटक में सपोर्ट नहीं मिला, जाके जयललिता मैडम को मिला था, तमिलनाडु में सपोर्ट मिला, जाके उधर वो एस्टैब्लिश किया है।
Now I'll go to lifeline, Mr. Perfectionist. हमारा किशोर हेगड़े सर, अभी देखिए ना, ये फार्म जैसे शूटिंग करने वाला लायक है, इतना फार्म अच्छा सा मेंटेन करता है, ऊपर से देखिए ना पूरा ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डबल गेट, मैं इधर से दूर से नहीं देख पा रहा हूँ, यू कैन अप्रिशिएट इट इन द फ्रंट, यस गुड, डबल गेटेड बायोसिक्योरिटी, डबल गेटेड बायोसिक्योरिटी, आदमी अंदर नहीं सकते, नहीं जा सकते, दो गेट को घुस के जाना पड़ेगा, उसका फीड मिल देखिए, पूरा एक घंटा में 1,00,000 लीटर पानी आता है सरफेस वाटर, उसको बोरवेल रिचार्ज कर रही है आदमी। अभी देखिए प्रोसेसिंग प्लांट, ऊपर से भी आपको प्रोसेसिंग प्लांट इतना सुंदर दिखेगा, किधर भी ट्रैश नहीं मिल रहा है, उसका 90% मार्केट शेयर इन कर्नाटका, 90% मार्केट शेयर इन कर्नाटका फॉर 5-स्टार होटल्स, वो किससे भी झुकता नहीं है, वो उसके लिए वेंचर कैपिटल नहीं चाहिए, वही ब्रांड बना दिया, ही इज हैविंग ऑलमोस्ट 60 आउटलेट्स, ये सब आप नॉर्थ में भी करना, देखिए ना पूरा फार्म सोलर से चला रहा है, पूरा फार्म सोलर से चला रहा है, पूरा फार्म, दैट मीन्स ऑलमोस्ट लाइक 30,000 ब्रीडर्स इज रनिंग एंटायरली फ्रॉम सोलर सप्लाई, उसका आउटलेट्स देख लीजिए कितना अच्छा है, तो दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू, एंड द स्लाइड व्हिच यू कैन सी हियर इज 75% आर वेमेन, वेमेन एम्पावरमेंट कर दिया, प्रिसिशन बना दिया, उसी लिए क्या हो रहा है उनको ज्यादा यील्ड आ रहा है, मीट यील्ड आ रहा है, वो बोलते हैं सर लेडीज का हैंड नाजुक होता है, यील्ड ज्यादा आता है, सो दैट इज अ सिंपल आइडिया फॉर गोइंग फॉर अ प्रोसेसिंग प्लांट, सी द सर्टिफिकेट्स व्हाट इज मेंटेनिंग, दुनिया भर का जो भी सर्टिफिकेट है एक्सपोर्ट के लिए क्या है, चंद्र के लिए भेज सकते हैं, टुमारो यू कैन सेंड इट टू मून और मार्स, सो दैट इज व्हाट द कंपटीशन वी आर टेकिंग इन आत्मनिर्भर भारत। नाउ कम टू नंदू अगेन बैंगलोर, ये आपके जैसे ही है, आपके जैसे ही है, 60 ईयर से जुड़ा है पूरा IoT, IoT मतलब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, दिस आर ऑल हैपनिंग इन पोल्ट्री, व्हेन आई स्पोक इन द मिनिस्ट्री टू द कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन, दे वर ऑल सरप्राइज्ड, दिस आर ऑल हैपनिंग इन इंडिया नाउ, दिस आर ऑल हैपनिंग इन पोल्ट्री, देखिए ना वो लोग क्या करके टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अभी आपका ही बैकग्राउंड कहला, व्हेन आई स्पोक टू देम what they said is, sir, we are unique in this aspect. Very good. Excel grinder, hatchery का waste जो आता है, उनका अच्छे से grinder बना दिया उन्होंने. And first time they claim that they are using AI gun. AI gun is being used because not as a needle replacement or anything. They are using AI gun here. And then you can see here they are claiming to be using a new fan, which is very very power conservative. So they are claiming like that. And they are using one new technology called fresh manure treatment plant. Fresh manure treatment. These are all happening at your back door. Please follow that. Now let us move to other people who are doing branding. ये नजारा देखिए, फोटो देखिए, किसे कितना सुंदर, ऐसा फोटो डाल के क्या कर रहे हो, अंडा बेच रहे $0.50, अंडा बेच रहे $0.50, $0.50 क्या है, 30 rupees तक अंडा, उनका देखिए ना वो फ्री रेंज फार्मिंग कैसे करता है, उनका इक्विपमेंट सॉरी प्रोसेसिंग के लिए देखिए, ही इज मेंटेनिंग फ्री रेंज फार्मिंग एंड ही इज पुटिंग लॉट ऑफ सर्टिफिकेट एंड रिकॉग्निशंस, देन नन अदर देन मिस्टर मंजुनाथ एंड अशोक कंडन, एंड दे गॉट फर्स्ट सर्टिफाइड इन द कंट्री इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ ह्यूमेन, दैट मीन फ्री रेंज का सर्टिफिकेट उन्होंने फर्स्ट टाइम लिया है कंट्री में, किसी के पास नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं अभी देखिए ना, द पार्टनर इज अशोक कंडन, डिफरेंटली एबल्ड है, मतलब इतना अच्छा आदमी है, सलूट मारता हूँ उनको, वो ट्रेनिंग भी करता है, इवन दो इज डिफरेंटली एबल्ड, मंजुनाथ एंड दिस पीपल हैव डन फैंटास्टिक वर्क। नेक्स्ट थिंग ये देखिए हमारा प्रोफेसर कृष्णमूर्ति, इज अ प्रोफेसर कृष्णमूर्ति इन शिमोगा वेटरनरी कॉलेज, ही सेंट मी लास्ट डे बिफोर आई वाज बाइंडिंग अप द प्रेजेंटेशन, ही सेंट मी अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, नेचुरल मदर हैचरी, मुर्गी को बिठा के हैचरी बना देना, मुर्गी को ट्रेन करता है, मुर्गी उसको अंडा का ऊपर बैठेगा, वो मुर्गी और मदर सेट हो जाएगा, अभी जाके ना आगे आने जाके अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी आई टेल यू, दिस इज द इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू, हमने देखा था गाय को उनका बच्चे के साथ भेजता है, अभी इन्होंने आइडिया कर दिया मुर्गी को मुर्गी का बच्चे के साथ भेज रहे, दैट मींस हेन इज सोल्ड अलोंग विद द चिक्स, सो देयर इज नो वे ऑफ यू नो लॉस ऑफ दिस थिंग, गिव अ क्लैप टू द आइडिया, गिव अ क्लैप टू द आइडिया फॉर दैट जेंटलमैन हु हैज डन दिस, तो मुर्गी को माँ के साथ भेज रहे हैं बच्चों को भी, सो देयर इज नो मॉर्टेलिटी ऑफ द चिक्स देयर, फैंटास्टिक आइडिया। नाउ दिस इज अ 5-स्टार होटल का लॉन जैसे दिख रहा है आपको, ये क्या है, एनी गेस ऑन द लास्ट, मुर्गी का दुकान है भैया, देखिए ना मुर्गी का दुकान 5-स्टार होटल जैसा बन गया आपको, दिस इज फ्रॉम अगेन फ्रॉम हैदराबाद कंट्री चिकन, यू कैन सी हियर सच ब्यूटीफुल फैसिलिटीज दे हैव सेट अप, हां यू कैन सी हियर, what is the interesting aspect is display of live birds,
इज डिस्प्लेइंग लाइव बर्ड्स देयर। लाइव बर्ड्स को एसी जैसा बना के कुछ टेक्नोलॉजी आईआईटी मुंबई से लेके आया, बदबू नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाट ही इज डूइंग देयर। यू कैन सी दैट सच इनोवेशंस आर हैपनिंग। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, अभिएक्स, दे आर डूइंग यूवी रेडिएशन से क्लीनिंग करके ब्रांडिंग करके बना रहे। मेनी इनोवेशन सर आर, यू कैन सी ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम रशिंग थ्रू। दीज पीपल आर लाइक यू नो क्रिएटिंग वेरी वेरी नाइस। आईआईटी खड़गपुर का आदमी क्या करके दिखाए, देखिए ईगोस, ये सेटअप एंटायरली आईओटी फार्म्स, रोज 3 लाख अंडा भेज रहे हैं, 3 लाख अंडा, व्हाट इज द एमआरपी, 16 to 18 रुपीज। आईआईटी खड़गपुर चार बंदे बिहार में जाके 20,000 का यूनिट लगा दिया, 20,000 का यूनिट लगा के 4 साल सीखा, अभी देखिए ना किधर जाके पहुंच गया वो लोग। तो दिस इज देयर आईओटी इश्यूज। एंड देन अगर मैं लास्ट में आ रहा हूँ, आप लोग नहीं किया तो क्या होगा, आप लोग नहीं किए तो बाहर का लोग आएगा। देखिए ना विशेष वाले फाउंडर्स, फ्रेश टू होम वाले फाउंडर्स, हमारा नंदू, एंड देन यू नो ये दिल्ली का जैप फ्रेश, ये कैप्टन फ्रेश, ये टेंडर कट्स, ये आईआईटी खड़गपुर ईगोस। हाँ लास्ट क्विज नाउ, एनी गेस हु इज दिस जेंटलमैन, एनी गेस हु इज दिस जेंटलमैन। हाँ नहीं, व्हाट इज द कनेक्शन, नाम तो मालूम है मेरे को भी, मालूम है नाम लिखा है। He is selling Pepsi, distributor of Coke. मैंने उनका केस स्टडी कर रहा था, मारवाड़ी है। Now is the biggest franchisee of KFC. KFC का ओनर है भैया। KFC जो कर रहा है ना इंडिया में, उसका 500 आउटलेट्स का मालिक है, एंड कभी भी चिकन टच नहीं करता है और चिकन भेज रहे हैं। देखिए ना, वो चिकन भेजता है और पेप्सी का भी भेजता है, पेप्सी का मालिक है। एंड देखिए ना, ये आदमी भी है सफायर फूड्स, ये लोग भी पुरोहित है, नाम से देख लीजिए पुरोहित। वो भी क्या कर रहे हैं, केएफसी का दूसरा फ्रेंचाइजी है, केएफसी, टैको बेल्स एंड पिज्जा हट। सो व्हाट आई एम, द मैसेज आई एम गिविंग इज, इफ यू डोंट डू इट देयर आर पीपल टू डू इट। सो देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स लाइक दिस, एंड दिस इज अशोक कंडन, ये यूट्यूब वाला स्टोरी है। अगर कुछ नहीं आता तो पका के यूट्यूब में डालो, ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है। इसका चैनल फॉलोअर है डायमंड क्लब, डायमंड क्लब इज व्हाट, 1 crore सब्सक्रिप्शन, 1 crore सब्सक्रिप्शन क्या हुआ, एवरी ईयर मंथ यू कैन मेक लाखों में करोड़ों में पैसा आता है। क्या करता है ये लोग, खाना पकाता है बस, खाना पका के वो यूट्यूब में डालेगा बस। दीज आर द थिंग्स। एंड द ग्रेट वेट आई वांट टू शो इज माय ओन इंटर्नशिप स्टूडेंट सुनत मुलिया करके हमारे पास इंटर्नशिप किया था, वो ड्रीम करना है बड़ा, वो ड्रीम क्या किया था, सर आई वॉन्ट टू बिकम अ बेस्ट वाइल्ड लाइफ इन द वर्ल्ड। अभी देखिए क्या कर दिया, ये चीता लेके आया, बेंगलोर का आदमी है, किधर किसको मिला, सामने जाके हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिला, जोरदार तालियां दे दीजिए इसको। तो दैट इज अ चैलेंज यू हैव टू टेक इन योर लाइफ, ओके। अभी देखिए एक फैक्ट्री है, एक अंडा के लिए आपको 250 रुपीज से मिलेगा, 75 रुपीज मिलेगा एक अंडा के लिए, क्योंकि 1 omelette इज 250 रुपीज। सो देयर आर मेनी स्टोरीज टू गो। देयर इज अ हेन फ्रूट, पक्षी फल, ए चिकन फैक्ट्री, उन्होंने क्या कर दिया, स्मॉल दुकान, बट क्या कर दिया उन्होंने, क्लब कार बना दिया। दिस इज अ very 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 important message for all of you, don't think that you are small, you can create ideas. उन्होंने WhatsApp group में बना दिया, Excel group में बना दिया, small idea है, chicken curry तो अंडा के लिए point लो लो, अंडा curry तो chicken के लिए point ले लो, so that repeatability आ जाएगा। Today technologies are very good, we need VR tools in our schools and empowerment, future trends। अभी देखिए ना New Year party आ रहा है, yesterday का slide है, कौन किया है, स्नेहा हमारा वरुण ने किया है एयरपोर्ट के पास। This is what is required, we should be felt everywhere. विशेषकर जाके बिग बॉस का घर में घुस गया, बिग बॉस का घर में, they are doing now India's first you know experiential space बना के। The future is like this, we'll have lot of advertisement. I'll leave this presentation to you all, due to the time shortage you know I'll wrap up, and this statement is very very important. देख लीजिए कि नीचे क्या लिखा है, German quality made in India. कौन कर रहे हैं, people from Germany have come and settled in Bangalore and producing the quality of Germany to send it back to Germany. Please gear up, if you don't do it others are there to do it. Already Japanese have come into Bangalore, they come into Delhi, they are already into your backyards. See, you can see here, buy one get one, so you will be made to run for your money for this, so better catch up very fast, okay. So now this should be your hope. Ye dekhiye na Kerala ka aadmi hai, 99 ईयर ओल्ड है, फिर भी 29 बार हिमालयन का ट्रैकिंग किया है, पर 30 बार के लिए तैयार हो रहा है। ये मेरा रेफ्रिजरेटर है, मैसेज क्या है,
हर रोज दो अंडा हफ्ते में तीन बार मुर्गी खाते रहो आराम से रहेगा। ये हमारा इंस्टीट्यूट है, जल्दी फोटोस को दिखा देता हूँ आपको याद करता। आई थिंक आई टेकन 5 मिनट्स एक्स्ट्रा राइट, हाँ नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आई विल अपलोड दिस प्रेजेंटेशन इनटू माय लिंक्डइन। माय लिंक्डइन इज महेश सुभाष पटलपाटी। इमीडिएटली यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन चेंज माय नेम एंड पुट योर नेम एंड स्प्रेड द मैसेज एट पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया का 10 एसोसिएशन एक बनना है, अमिताभ बच्चन को लाना है, अमिताभ बच्चन से बुलवाना है। क्या क्या बुलवाना है? दवा मत खाओ अंडा खाओ। मेरे साथ बोलिए, दवा मत खाओ दवा मत खाओ दवा मत खाओ। जय हिंद बोलिए, जय हिंद।